अगर आपको हमेशा ये लगे आप सिर्फ पढ़ते ही क्यों जा रहे हो, आप कोई चीज को अनलिमिटेड पढ़ते ही क्यों जा रहे हो, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो ना। जैसे अगर किसी ने पूछा कि आप रिव्यू बताओ, क्रिटिसिज्म बताओ, एनालाइज करो, कमेंट करो, आप जो बात बता रहे हो उसके दायरे में बात कहोगे तो लिमिटेड लगेगा, वास्ट फिर नहीं लगेगा। ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप इतना बड़ा ही क्यों करते जा रहे हो, कमेंट कितनी देर का होता है, एनालिटिकल कितनी देर के होते हैं, कोई भी चीज को एनालाइज करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, उसके पैरामीटर के दायरे में करेंगे आपको हमेशा छोटा लगे। इसलिए आप जितने भी स्टूडेंट हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिपरेशन करो, सिलेबस पढ़ो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ, आपको हमेशा सिलेबस वास्ट के बजाय कलेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन लगेगा। आपको कह रहा है रिव्यू करने के लिए, आप रिव्यू की तरीके से सोचो, आप कमेंट की तरीके से सोचो, आप एनालिसिस के तरीके से सोचो, आप तो सोच रहे हो किसी भी तरीके से ना। जैसे धनिया लेने में 10 रुपए दो, सब्जी लेने में 100 रुपए दो, आपको पेन लेना है 20 रुपए दो, आप सोच रहे हो मैं 500 रुपए कैसे खर्च करूं। पहले वो प्रॉब्लम्स तो आने दो,